हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? तुम बढ़िया होंगे? तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं चंपाखाली बैंड से। एक रोड हमारे गांव को गई, ये गई शीतलाखेत मार्केट और ये गई नीचे को कठपुनिया को। तो अभी मैं आज जा रहा हूँ हल्द्वानी को मोहित भैया के साथ। तो यहाँ तक मुझे छोड़ने ऋतिका आया था, अभी जाएगा घर को। मोहित भैया वो सामने खड़े हैं, अभी मिलाते हैं उनसे। दूर हैं थोड़ा, दिखा देते हैं जूम करके। लो भैया हेलो करो। हेलो। ये तो अभी हम निकलते हैं हल्द्वानी को, क्योंकि जल्दी निकलते हैं क्योंकि शाम को वापसी भी करनी है। चलें फिर, चलो करो स्टार्ट। तो आज मोहित भैया की लवी में जा रहे हैं हम। कहाँ है इसका नाम लिखा तो था तुमने? वो ये लवी। तो यहाँ से ये ऊपर की जो लेफ्ट साइड का रोड गई, ये गई श्यामा देवी को, और आप जाएंगे हम नीचे रोड से। तो इस रोड से पहली बार जाऊँगा मैं हल्द्वानी, क्योंकि सड़का गांव तक तो गया हूँ मैं, वहाँ से नीचे तो नहीं गया हूँ। तो मोहित भैया करके यहाँ तो शॉर्ट होता है, तो देखते हैं आज कितना शॉर्ट होता है। और रोड थोड़ा ऑफ रोड है। जाओ जाओ स्कूल लाइफ वहाँ जान के लाग रही फटाफट। तो ठीक सामने जो हाईवे है वो है हल्द्वानी वाला हाईवे। काकड़ीघाट पहुंच चुके हैं हम लोग, और ये रोड वहाँ कनेक्ट होती है। तो शीतलाखेत से करीब 15 किलोमीटर हो रहा है, और मटीला से होता है 20, तो यानी कि 5 किलोमीटर का शॉर्ट है इस रोड से। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम, और भीड़ देखो आज भी काफ़ी भीड़ है यार यहाँ। उस दिन तो गजब होता है वो, जिस दिन हाँ 15 जून को, आज भी भीड़ कम नहीं है यार, बहुत ज़्यादा है। रोज ही रह लिया अब तो, अधिकतर ऐसे ही देखने को लगा है। और मोहित भैया तो हाफ पहन के आ रखे हैं, देखो ये हीरो हीरो है ना हमारे हीरो मोहित भैया। क्यों ठंडा तो नहीं हो रहा? जैकेट दूं? ठंडा लग रहा है यार, जैकेट खरीदनी पड़ती है। तो यार फाइनली पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, और अभी हम गए हैं देवेंद्र भैया के ऑफिस में, तो डाटा वगैरह कॉपी लगा रखा है। और ये रहे हमारे मोहित भैया, जो काफ़ी बिजी है फोन में। ये कौन है मतलब ऐसा शख्स? पॉज करके देख लूँगा अभी मैं। जा रहे हैं खाना खाने, भूख लग गई है। सुबह घर से भी नाश्ता करके आए नहीं, जल्दी बाजी में निकले। और देवेंद्र भैया भी आ रहे हैं, उनको बुलाओ जल्दी भैया, भूख लग गई है। ये आ गए हैं देवेंद्र भैया। चलो भैया कहाँ ले जा रहे हो खाना खिलाने हमको? चलो फिर घुमाओ गाड़ी। तुम चाबी लेके, मैं वो गाड़ी को स्टार्ट करो पीछे वाली को। आपने गाड़ी लेके नहीं आए हो तुम? हवा ठीक है, हम तो दुबले पतले हैं, आ जाएंगे। शर्म नहीं आ रहा क्या खाने में? इतना बिजी मत रहो फोन में। तो हम लोग पहुंच गए रेस्टोरेंट में खाने के लिए। अभी भैया तो पहले ही टूट पड़े हैं खाने पे, अकेले खा रहे हैं। बॉडी थोड़ा हैवी है ना, अरे बॉडी भी हैवी है ना, जल्दी खाना।
फलाहार कर रहे हो तुम्हें। तो अभी इधर हो रहा है डाटा कॉपी। आप कहें सर, किसका डाटा कॉपी हो रहा है सर? आपका है। अच्छा, क्या हो रहा है? सही से खड़े हो रहे हैं सर, शेड वगैरह योगा कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, हो जा रहा है कुछ तो हो रहा है। क्या कर रहे हैं सर? किसकी पहले दुकान मेरी हुआ करती थी। कब? बहुत साल पहले। तुमको निकाल दिया, धक्के मार के यहाँ से? धक्के निकाल के नौकरी से बाहर निकाल दिया। काम ही ऐसे है तुम्हारे? जूस का गन्ना। गन्ने का जूस? तो अभी लागे हम गन्ने का जूस, क्योंकि बहुत ज़रूरत हो रही है, गर्मी काफ़ी है, ज़्यादा हो रही ठंडा हो रहा है। ये इनको ठंडा इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि पंखे को गोदे उठा रखा है इनने, देख सकते हो आप, इसलिए ठंडा लग रहा है इनको। चलो धूप में लेट जाओ ना, ये रजाई उनके धूप में लेट जाओ। हम लोग भीमताल को निकले, क्योंकि हमने सोचा कि यहाँ को जाएंगे जोलीकोट को, यहाँ को जाम कम मिलेगा, पर यहाँ से और ज्यादा जाम हो रहा है यार, ये देखो। शिफ्ट चेंज पहले हो गई है खैरना से, खैरना से थोड़ा आगे आगे, मतलब जहाँ पे थोड़े एक दो रेस्टोरेंट स्टार्ट होते हैं ना, छड़ा पे, छड़ा बोलते हैं ना पे, वहाँ से। तो मोहित भैया रेस्ट मोड में पीछे बैठेंगे आराम से। अब मैं करता हूँ ड्राइव। आओ भैया, अब आपको हम सैर कराते हैं पहाड़ों की, ठंडी ठंडी हवा के साथ, ठीक है? तो इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं शीतला के मार्केट में, और उन्नू भाई भी आ गए नीचे चंपाखाली बैंड पे, और ये रही शीतला खेत मार्केट। अभी रात को बिल्कुल सुनसान, एकदम बंद हो रखी है ये देखो। तो पहुंच चुके हैं हम चंपाखाली बैंड, ये रही अपनी गाड़ी, उन्नू भाई लेके खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ से मोहित भाई जाएंगे अपने घर को, वहाँ को छोड़ने आओ बताओ, नहीं तो डर लग रही तो बताओ। तो पहुँच चुके इसी के साथ हम चंपाखाली बैंड पे, बाकी मोहित भाई जाएंगे अपने घर को, छोड़ दूँ बताओ, नहीं तो बुकिंग पड़ेगी बस मात्र, कोई पता ही हो आपको, रेट फिक्स रेट है हमारा, चल चलो रे, तेल के दे देना। नहीं यार, मेरे पास नहीं इतने पैसे। मजाक कर रहा हूँ यार, छोड़ देंगे ऐसे। इतने पैसे नहीं है यार। पैसे कौन मांग रहा तुमसे? चलो पहुँच जाओ, मिस कॉल कर देना यार, टाइम मिलेगा तो फोन कर देना, छोड़ दूंगा यार। चलो फिर, चलो ठीक है, ठीक है, ओके भाई। और हम लोग जाते हैं घर को अब। तो अभी बज रहे हैं रात के 10, और हम लोग भी निकल चुके हैं घर को, मोहित भाई भी अपने घर को चले गए हैं, और मुन्नू भाई मेरे को लेने आ गए थे। तो अभी हम 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे घर।